अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कुनाफा, जिसके लिए दो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे, बाकी आपके घर में होंगे। एक होगा मोज़रेला चीज़, दूसरा होगा कुनाफा डो, या उसकी जगह आप फेनी ले सकते हैं या सेवियाँ ले सकते हैं। हमने सेवियाँ लिया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे फेनियाँ हमें नहीं मिली। फिर यहाँ पे हमने सेवियाँ ले ली और उसमें मक्खन ऐड कर लिया। इतना मक्खन ऐड करना है आपने कि सेवियाँ हमारी बिल्कुल चिकनी हो जाए, ठीक है। और इसे अच्छे से मसल लेना है, ठीक है, क्रश कर लेना है अच्छे से। ये देखें चिकनी हो गई है बिल्कुल। अब हम एक कप दूध लेंगे और उसे बॉईल आने देंगे। जब बॉईल आ जाएगी, ये देखें ये बॉईल आ गई है। अब बॉईल आई है तो हम इसमें 3 टेबलस्पून चीनी के ऐड करेंगे। जब 3 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर लेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ हमने 1/2 कप ली है और इसे श्रेड करके फिर हम इसमें मोज़रेला चीज़ अपनी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए हमने मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड कर दिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना अच्छे से मिक्स करेंगे कि दूध सारा खुश्क हो जाए और सिर्फ मोज़रेला चीज़ हमारी रह जाए और ये थिक हो जाए काफ़ी। और हमने फिर क्या किया, कॉर्नफ्लावर लिया। कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में डिज़ोल्व करके वो ऐड किया ताकि ये हमारा थिक हो जाए। इससे हमारा कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ये थिक हो जाएगा। और अब हमने इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि सारा दूध खुश्क हो जाए और सिर्फ मोज़रेला चीज़ रह जाए। देखें 1/4 कप में हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था और फिर वो इसमें ऐड किया था इस वजह से ताकि ये थिक हो जाए। आप देख लें ये कितना थिक हो गया, दूध सारा खुश्क हो गया है और ये आप देखें कितना थिक है, इस तरह होना चाहिए ये। अब हम एक पैन में मक्खन लेंगे और पूरा मक्खन हम स्प्रेड कर देंगे पूरे पैन पर, देखें इस तरह अच्छे से। जब पूरा ये कर लेंगे इसमें फिर हम ऐड करेंगे अपनी सेवियाँ। सेवियाँ ऐड करके और उसे थोड़ा हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। हल्का हल्का जब हम प्रेस कर देंगे फिर इसके ऊपर जो हमारी चीज़ है वो हम ऐड करेंगे इसमें। ये देखेंगे हम चीज़ अपनी इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बहुत ध्यान से स्प्रेड कीजिएगा और बहुत आराम से इस तरह से आप स्प्रेड कर लें। और यहाँ पे बताते हैं जो स्टोव नीचे ऑन है और थोड़ी सी सेवियाँ डाल के हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको टर्न कर देंगे। आप देखें कैसे किया हमने, नेक्स्ट टाइम हम आपको ओवन में बताएंगे। अब एक साइड से पक चुका है इतनी देर में और हमने एक और पैन पे मक्खन लगाया और फिर इसे पलट लिया। ये आप देखें ऐसे एक साइड पूरी पक चुका है कुनाफा। अब दूसरी साइड से हम इसको पकाएंगे और कुनाफा रेडी हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमने चाशनी बनानी है जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं। पानी में आपने चीनी ऐड कर लिया है और एंड पे आप इसके ऊपर डाल के ये इसका सिरप, शुगर सिरप डाल के आप खाएं, बहुत मज़े की बनेगी। प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करें। नेक्स्ट टाइम हम ओवन की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।